हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीई ऑनलाइन क्लास क्लास 7 चैप्टर 2 हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड 12 डिवाइडेड 3/4, सेकंड 14 डिवाइडेड 5/6, थर्ड 8 डिवाइडेड 7/3, फोर्थ 4 डिवाइडेड 8/3। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट 12 डिवाइडेड 3/4। अब देखिए, डिवाइड को सॉल्व करने का जो हमने शॉर्ट तरीका आपको बताया था, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको डिवाइड कैसे सिंपलीफाई करना है, डिवाइड को हटाना है और मल्टीप्लाई लगाना है, और डिवाइड के बाद जो डिजिट आएगी ऑलवेज उसको रेसिप्रोकल कर देना है, मीन्स उल्टा कर देना है। तो अगेन समझ लो, डिवाइड को हटाकर मल्टीप्लाई लगाना है, डिवाइड के बाद जो डिजिट है उसका रेसिप्रोकल करना है। 3/4 का उल्टा क्यों होगा, 4/3। ऑलवेज रिमेंबर, डिवाइड को सोल्व करने का ये शॉर्ट मेथड है, नहीं तो आपके पास गलतियां हो सकती हैं। तो 12 मल्टीप्लाई 4/3। अब देखिए 12 और 3, 3 बन जा 3, ये कैंसिल आउट हो सकता है। 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, और डिवाइड में क्या है इसकी, 1। आपको पता है एवरी डिजिट इज डिविजिबल बाय 1, सारी तो डिजिट होती है बट 1 से डिविजिबल होती है। तो आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हो, इक्वल टू 16, दैट इज आंसर। ऐसे ही आपको सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, हमारे पास 14 डिवाइड 5/6। अब देखिए 14 डिवाइड को हटाया हमने, मल्टीप्लाई साइन लगाया, और डिवाइड के बाद जो डिजिट है उसको रेसिप्रोकल कर दिया, इट मीन्स उल्टा कर दिया, उल्टा करके राइट कर दिया 6/5। अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, देखिए कैंसिल नहीं होगा, 6 5 और 14 5 से भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो कोई नहीं, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, इट मीन्स ऊपर के डिजिट ऊपर से मल्टीप्लाई और अपॉन वाले डिजिट अपॉन से। 14 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा हमारे पास 84। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा हमारे पास 5। अब आप 84 में 5 का डिवाइड करके आंसर दे सकते हो। 84 में हमने 5 का डिवाइड किया, रखने यहाँ पर 5 1 जा 5, 8 में से 5 माइनस करेंगे 3, नेक्स्ट डिजिट हमारे पास क्या है, 4। अगेन 5 की टेबल रीड करेंगे, 34 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5 6 जा 30, माइनस करेंगे 4 0। अब रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, 4 को यहाँ राइट करेंगे, और इससे आप डिवाइड कर रहे हो 5 से, इसको हम ऐसे राइट कर देंगे। फिर मिक्स फ्रैक्शन में भी आंसर आप दे सकते हो या फिर डेसिमल में दे सकते हो, तो हम इसको राइट कर सकते हैं 16 4/5 आंसर। ऐसे ही थर्ड पार्ट को हम सिंप्लीफाई करेंगे। थर्ड हमारे पास 8 डिवाइड 7/3। अब इसको देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, 8 डिवाइड को हटाया हमने, क्या लगाया, मल्टीप्लाई, 7/3 को उल्टा कर दो, 3/7। अब ये भी काम कैंसिल आउट नहीं हो रहा, 1 लगा सकते हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहो तो आप अपॉन में 1 लगा सकते हो, बिकॉज एवरी डिजिट इज डिविजिबल बाय 1, सारी डिजिट 1 से डिविजिबल होती है, तो 1 आप डिवाइड में लगा सकते हो। अब देखिए 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 जा 24, एंड 7 1 जा 7। अब 24 में आप 7 का डिवाइड करके आंसर राइट कर दें, 24 में हम किसका डिवाइड करेंगे, 7, 7 3 जा 20, 3 रिमाइंडर क्या बचा आपके पास, 3, और किससे डिवाइड कर रहे हैं आप, 7। तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर राइट कर सकते हो, 3 3/7 आंसर। ऐसे देखिए फोर्थ पार्ट करते हैं, इधर फोर्थ पार्ट है हमारे पास 4 डिवाइड 8/3। 4 डिवाइड को हटाया हमने, क्या लगाया, मल्टीप्लाई, सेकंड वाले डिजिट को रेसिप्रोकल कर दो, 3/8, इसके अकाउंट में 1 लगा सकते हो आप चाहो। अब देखिए कैंसिल आउट हो रहा है, 4 और 8 कैंसिल हो सकता है, 4 1 जा 4 4 2 जा 8। अब ऊपर की जो डिजिट है उसको ऊपर से ही मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन वाले डिजिट को अपॉन में, 3 1 जा 3 एंड 2 1 जा 2, तो 3/2। 3 में 2 को आप डिवाइड करके आंसर दे सकते हो, 3 में 2 का डिवाइड कर लिया, 2 1 जा 2, रिमाइंडर के बचेगा 1।
तो आप आंसर उसको इस फॉर्म में मिक्स फ्रैक्शन में भी आप आंसर दे सकते हो, 1 1/2 आंसर। ये आपके सॉल्यूशंस होगी। ऐसे आपको डिवाइड वाले क्वेश्चन को आपको याद रखना है, डिवाइड को हटाना है, मल्टीप्लाई लगाना है, और डिवाइड के बाद जो डिजिट आएगी ऑलवेज उसका क्या करना है, रेसिप्रोकल करके। इसके बाद हम नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, क्लासिफाई द रेसिप्रोकल्स एज प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड होल नंबर्स। ये हमारे पास फोर्थ पार्ट गिवन है, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट 3/7। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को सबसे पहले समझना होता है कि करना क्या है इसमें। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो गिवन क्वेश्चन है उनका रेसिप्रोकल फाइंड करना है। रेसिप्रोकल मींस क्या होता है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, जस्ट उसको उल्टा करके राइट कर देंगे। जैसे 3/7 है तो 7/3, 3/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 7/3। अब रेसिप्रोकल करने के बाद क्लासीफाइड द रेसिप्रोकल्स, जो रेसिप्रोकल है हमारे पास उसको आपको बताना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन में है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अगेन आपको बता देते हैं 7/3 आया हमारे पास। अब देखिए न्यूमरेटर हमारे पास लार्जेस्ट है और डिनोमिनेटर स्मॉलेस्ट है, तो ये हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन आएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम इसमें राइट करेंगे ब्रैकेट के अंदर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो एक ट्रिक है याद करने की आपको, अगर न्यूमरेटर डिजिट लार्ज हो और डिनोमिनेटर स्मॉल हो तो कौन सी फ्रैक्शन होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसे ही आप सेकेंड पार्ट 5/8, सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे, इट मीन्स रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे 8/5। अब 8/5 देखिए, अगेन जो हमारा न्यूमरेटर पार्ट है वो लार्ज है और डिनोमिनेटर पार्ट स्मॉल, इट मीन्स अगेन ये कौन सी फ्रैक्शन होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। थर्ड पार्ट है हमारे पास 9/7, सबसे पहले हमने इसका रेसिप्रोकल फाइंड किया, इट मीन्स रिवर्स कर दिया 7/9। अब देखेंगे, देखिए न्यूमरेटर पार्ट स्मॉलेस्ट है और डिनोमिनेटर पार्ट लार्जेस्ट है, जब न्यूमरेटर स्मॉल हो और डिनोमिनेटर लार्ज हो उस फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसे फोर्थ पार्ट आपको करना है, फोर्थ पार्ट 6/5, सबसे पहले तो हम इसका रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे, तो रेसिप्रोकल में हम क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं, इट मीन्स 5/6। अब रेसिप्रोकल को ही बताने आपको, क्वेश्चन को नहीं बताना, रेसिप्रोकल को बताना होगा ऑलवेज। 5 हमारे पास न्यूमरेटर पार्ट स्मॉलेस्ट है और डिनोमिनेटर पार्ट लार्जेस्ट है, इट मीन्स अगेन ये कौन सी फ्रैक्शन होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपको ऐसे आंसर राइट करना चाहिए।